हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। इस कोविड ने हमें कई सारे वर्ड सिखा दिए जिसे हमें इस वायरस के आने से पहले शायद ही हमने कभी सुना हो, जैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, पेंडेमिक, क्वारंटीन, कंटेनमेंट। लेकिन इन सभी वर्ड में से सबसे पॉजिटिव वाइब वाला वर्ड एक ही है, वो है वैक्सीन। आज दुनिया में इंसानों ने 10.5 बिलियन यानी कि 1050 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन लगाई हुई है और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड। लेकिन आज फिर भी आज कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि दुनिया की पहली वैक्सीन किसने इन्वेंट की थी और कौन से वायरस के लिए की थी। तो आइए जानते हैं वैक्सीन के इन्वेंटर के बारे में और कुछ उसके मिथ के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टे। वैक्सीन आपको नोवल कोरोना वायरस होने से पहले बचा सकती है, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाती है। लेकिन अगर आपको कोविड हो जाता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो ये वैक्सीन आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इलाज नहीं है जो आपकी सांस लेने की क्षमता को बढ़ा सके और आपके फेफड़ों को नॉर्मल कर सके। तो ये अंतर है कोविड-19 की वैक्सीन लगाने में और कोविड-19 के इलाज में। तो दो वैक्सीन के डोज लगा के ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। आजकल या 2019-20 की नहीं है, ये सैकड़ों साल पहले की। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं ने सांप के काटने से रोग प्रतिकारक क्षमता को प्रदान करने के लिए वैक्सीन बनाई गई थी। क्योंकि अगर इन्वेंट की बात करें हम तो 1796 में एडवर्ड जेनर को वैक्सीनोलॉजी का इन्वेंटर माना जाता है, जब उन्होंने 13 वर्ष के एक लड़के को स्मॉल पॉक्स के प्रति रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए वैक्सीन लगाई गई थी। ये दुनिया की पहली वैक्सीन लगाई गई थी, समझ लो। 1898 में स्मॉल पॉक्स की पहली और प्रॉपर वैक्सीन विकसित की गई थी। 18वीं और 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई गई थी और उसके बाद 1979 में इस वैक्सीन को पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कराई गई। 19th सेंचुरी के एंड में प्लेग वैक्सीन का भी डेवलपमेंट किया गया। 1890 और 1950 के बीच बैक्टीरिया वैक्सीन का भी विकसित किया गया और आज भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। 1923 में अलेक्जेंडर गिलेनी ने फॉर्मूला डिहाइड के साथ टेटनस विष को इनएक्टिव करने के लिए एक फॉर्मूला का इजाद किया। 1926 में डिप्थेरिया के खिलाफ एक टीका विकसित करने के लिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब अलेक्जेंडर ग्लेनी का ये फॉर्मूला काबिले तारीफ था। जैसे कोविड-19 के शुरुआती दिनों में लोगों ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने वैक्सीन के बारे में अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई थी, उसी तरह से 1970 और 1980 के दशक के अंत में बढ़ती हुई मुकदमेबाजी और अफवाहों ने वैक्सीन के डेवलपमेंट में काफ़ी कमी लाई, जिसके कारण वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की संख्या में भी गिरावट आई, जैसे हमारी स्वदेशी भारत बायोटेक के साथ भी हुआ था। आज हमें इतने कम समय में और इतनी इफेक्टिव वैक्सीन मिलने के पीछे कई सारी टेक्निक शामिल है, जिसमें नई वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम जैसे DNA वैक्सीन, वायरल फैक्टर प्लांट वैक्सीन शामिल है। HIV और एलर्जी बीमारियों और व्यसन की बीमारियों के लिए भी जल्दी थेरियोपेटिक वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है। आज दुनिया की पहली DNA वैक्सीन हमारे प्यारे भारत में बन रही है, जिसे अहमदाबाद बेस्ड जाइडस कैडिला ने डेवलप की है, जिसे बिना इंजेक्शन के भी लगाया जा सकता है। और ये DNA वैक्सीन अगर 100% सक्सेसफुल होती है तो ये वैक्सीनोलॉजी का भविष्य हो सकता है। वैक्सीन के कुछ मिथ्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो होमस्टे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि होमस्टे के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। वैक्सीन का पहला मिथ ये है जो लोगों द्वारा फैलाया गया है कि अगर आपको कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हो तो आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं, जबकि सत्य यह है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को भी सलाह दी जाती है कि उसे कोविड वैक्सीन के शेड्यूल को पालन करना चाहिए। कोविड-19 के संक्रमित होने के 3 महीने बाद उसे टीकाकरण जरूर करना चाहिए। वैक्सीन का दूसरा मिथ ये है कि कोरोना वैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभाव और एलर्जी होने का खतरा है, जबकि सच ये है कि वैक्सीन से आपको हल्के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिसे एलर्जी हो सकती है, जिसमें थकान, सिरदर्द और इंजेक्शन लगाए हुए हिस्से में आसपास उधर दर्द होने की संभावना है। वैक्सीन के बारे में तीसरा और आखिरी मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि वैक्सीन में लाइव कोविड-19 के बैक्टीरिया होता है जो आपके शरीर में डाले जाते हैं, लेकिन सच ये है कि वैक्सीन में कोई भी लाइव बैक्टीरिया नहीं होता है। जितने भी वैक्सीन के डोजेज आते हैं वो लगाइए, 1, 2, 3 जितने भी आते हैं उतने लगाइए, अपने फैमिली को भी लगाइए, आप भी लगवाइए और
सेफ रहिए कोविड से। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।